भारत सरकार खुले में शौच से मुक्त के लिए करोड़ों रुपया ग्राम सभाओं को दे रही है ताकि लोगों का शौचालय बनाया जा सके, लेकिन इन पैसों का ग्राम सभा में जमकर बंदरबांट किया गया और लाभार्थी तक शौचालय नहीं पहुंचा और जिनके पास पहुंचा भी वो मानक विहीन या फिर आधा अधूरा है। ऐसा ही एक मामला भावर कोल ब्लॉक के जगदीशपुर खास का है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए शौचालय की योजना से आच्छादित किया गया था, लेकिन शौचालय आज भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से बाढ़ प्रभावित ये गांव आज भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है, या फिर कुछ परिवारों ने अपने घर के पास ही छोटे बच्चों और इमरजेंसी के लिए ऐसा शौचालय बनवा डाला है जो विभाग की पोल खोलने के लिए काफी है। यहां पिछले दिनों जांच के दौरान पाए गए, जिसको देखते हुए विभाग के द्वारा ग्राम प्रधान के खिलाफ करीब 24 लाख रुपए की नोटिस जारी की गई है। मिलल बा खाली ईटा पर मिलल बा। कितना ईटा मिलल बा? 700 में कम मिलल बा। और मतलब बालू सीमेंट और सीट ये सब कुछ नहीं मिलल। पैसा नहीं मिलल। तो ऐसे में जब आपके गांव में बाढ़ भी आवेला ना जी, तो जब बाढ़ बुढ़ आवेला ऐसे तो सोच के लिए आप लोग कहाँ जाती है फिर? पानी हल्के ऐसे भी मतलब ऐसे मतलब खेत में जाती होंगे तो मतलब शौचालय नहीं मिला ना, मिला के? ना। तो आपके मतलब घर में आप ही महिला होंगी या लड़कियां भी होंगी? हाँ। तो सभी लोग मतलब खेत में ही जाती होंगे? हाँ। अब काहे मिल पाएगा हमारा के पहचान नहीं। जैसे प्रधान जी मतलब आपके यहाँ बनवेला ना शौचालय ना, लिस्ट उस्ट में नाम रहे आप लोग का? हाँ। तो कहली ना उसे जब लिस्ट में नाम रहे काहे ना मिल पाए? वो हम जानकारी ना भाई। अच्छा, ऐसे में जब घर के जो महिलाएं हैं आप लोग शौच के लिए कहाँ जाती होंगी? शौच के लिए कहाँ जाती होंगी? पैखाना होके तो बाहर ही जाए ला जा हमने के। और ये जो है ये तो लड़कन खातिर के बनावल बाकी, जैसे पतोह बाड़ी से कहीं इमरजेंसी आ गई, चाहे लड़का बाड़न चाहे पानी को दिन आ गई तो नहीं खे कहीं निकले के, तो वो घर खातिर के बनावल बा। कितना साल से एक शौचालय कितना दिन के बनल हुई? बनल बा साल दो बरिस भाई। साल दो साल का? हाँ, दो साल भाई। मतलब कुल मिला जो सरकारी योजना शौचालय मिले के ना मिल रहा है ना, ये लिए आप लोग एकर यूज कर ला? हाँ। क्यों नहीं बना? पैसा देखना बनल तब का प्रधान ना बने के और के पैसा, पैसा तू दे ले लो कि प्रधान तो दे ले ला? देख ला हम ना दे बन कि प्रधान दे ले बड़ा। तो कितना दे ले लो? 200 रुपया दे ले लो। हाँ। काहे खातिर? बनावे खातिर। तो 200 रुपया तो शौचालय बन जी ना बनी तो कहत न कि हमके 200 न देना बनी। अच्छा, तो लिस्ट में नाम फिर आ रहे तो हार ना लिस्ट में नामो ना आई ना बा ना काहे ना मिलल? हम तो कहल प्रधान से कहनी जी कि हमर पैखाना बना दे, हमर लइकन के मैदान करे के फजत होता तो कहस के हां हम बनवा दे बनवा दे ना बनो। अच्छा, तो आप लोग का लिस्ट में नाम रहे? हां रहे लिस्ट में नाम रहे। हां खेत में जाने जाए। वही जब इस मामले पर ग्राम प्रधान राजेंद्र पासवान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा सभी लोगों को शौचालय दिया गया है, कुछ लोगों को शौचालय का सामान दिया गया है। इन लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते अपने शौचालय को हमें बदनाम करने के लिए तोड़फोड़ दिया है ताकि चुनाव में हमें नीचा दिखा सकें। प्रधान जी, आपके गांव में शौचालय निर्माण में अनियमितता की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि जो शौचालय निर्माण हुआ है उसका निर्माण घटिया हुआ है और कई सारे लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि घटिया निर्माण की वजह से शौचालय गिर गए हैं, ढह गए हैं और उन्हें बाहर शौच करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? साहब, जान के आदमियों को तोड़ फोड़ दी ही, हम तो सामान दे देनी बना देनी, अब उनके जान के कोई तोड़ता फोड़ता तो हम केकरा केकरा के माना करी, केकरा केकरा के का करी, और सब बाहर भीतर जाता तो हम बाहर भीतर जाए के थोड़े कहता नहीं, अब उनको तू तोड़ दे तो कहाँ जीब, बाहर नहीं जीब, तो बाहरों खातिर हम रोक लगाओ तो नहीं कि भैया तो अपन बना लो, बना के वहाँ बैठा उठ बाहर मत जा। इलेक्शन के चलते हमके सब लोग परेशान कर रहा बा, उतना हम बढ़िया बानी ना, हमके जितना मिल उतना हम दे देनी बना दिलन जा, बना के तोड़ फोड़ दिलन जा, उल्टे ना तौरी हमसे ऊपर से पैसा मांगा तड़न जा कि पैसा दे देव तो दरखास्त तोरा पर ना पड़ी, उतना हमारे पास पैसा बाकी हम पैसा दे। वहीं जब इस मामले पर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कराया गया था और यहां पर 22 लाभार्थियों और 37 अन्य के शौचालय पूर्ण मिले, शेष शौचालयों का कहीं पता नहीं लगा या फिर वो अधूरे या टूटे फूटे मिले।
जिसको लेकर ग्राम प्रधान को 24 लाख रुपए का नोटिस जारी किया गया है। 199 नहीं, वहाँ कुल 257 शौचालयों की धनराशि गई थी। जांच के बाद 57 शौचालय निर्मित पाए गए, शेष शौचालय अनिर्मित पाए गए और उनकी धनराशि भी संबंधित सचिव और प्रधान द्वारा आहरित कर ली गई है, जिसमें लगभग 24 लाख रुपए का दुरुपयोग प्रकाश में आया है। संबंधित प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 दिन के पश्चात उनका जवाब आने के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए देकर शौचालय निर्माण कर प्रदेश को खुले से शौच मुक्त करने का दावा तो किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत काफी अलग है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।